पहले तो ये कि ये आपसे खुद भी कांटेक्ट कर लेते हैं, कोशिश जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होता है कि दे पिक द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज़, और उनको अप्रोच किया जाता है कि क्या वो वॉलंटरली इस एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहेंगे, और अगर कोई अपना इंटरेस्ट भी शो करना चाहता है तो उसके कुछ थोरो किस्म के जो है इंटरव्यूज़ भी होते हैं, कुछ सेशंस होते हैं जिसमें मुलाकातें भी होती हैं, और उसमें उनका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि क्या वो अपने प्रोफेशन के अलावा, एक जॉब के अलावा, या जो भी वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके अलावा भी वॉलंटरली सोशल वर्क करने को तैयार हैं। और उसके पूरे इंटरव्यूज़ के पैनल्स होते हैं, जो मेन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वो जो है वो इलेक्टेड होते हैं, बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। यूथ पार्लियामेंट की रुकन बख्तावर महमूद आज सुनो पाकिस्तान के मेहमान हैं, तो उनसे बात करते हैं। वेलकम करते हैं आपको बख्तावर, कैसी हैं आप? हमें ये बताइएगा कि ये यूथ पार्लियामेंट है क्या और किस तरह से इसमें शमूलियत कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बताइएगा। जी थैंक यू सो वेरी मच, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आप सब, गुड मॉर्निंग। बहुत खुशी होती है सुबह सुबह जो है ना पॉजिटिव बातें करते रहे हम लोग। तो आपने जिस तरह से यूथ पार्लियामेंट का जिक्र किया, तो यूथ पार्लियामेंट बेसिकली एक इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में जो है काम तो हो रहा है बहुत ज़्यादा इस इनिशिएटिव के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अच्छे लोग काम करते हैं वो ज़रा थोड़ा सा लाइमलाइट में काफ़ी अरसे बाद आते हैं। ये बेसिकली कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का तीसरा विज़िट था जिसमें काफ़ी सारे जो हमारे मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट डिवीजन, यानी कि इट्स टोटली ए पॉलिटिकल, यानी कि इसके पॉलिटिकल अलायंस कोई भी नहीं है, लेकिन ये एक सोशल वर्क है उन तमाम प्रोफेशनल्स का जो कि अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, बट दे स्टिल वांट कि किसी न किसी तरीके से हम अपना एक रोल प्ले करें। सो ये एक बड़े अच्छा मौका हमें मिल गया कि जहाँ एक्सपोजर तो हमें मिला ही मिला, जहाँ पे हमने यूके पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकात की, वहाँ पे विजिट्स के अलावा हमारी जो इंटरेक्शंस हुई, तो हमें यही समझ आया कि जिस लेवल के ऊपर हमारी यूथ इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेहनत करना चाहती है, जिस तरह से पॉजिटिव हम सोच रहे हैं, मे भी शायद दुनिया भी उसी तरफ जा रही है, और हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी जो है वो उनकी तरफ से मिला। बख्तावर, यूथ पार्लियामेंट काम किस तरह से करती है, तरीक़ाकार क्या है? वैसे इसके जो कायद हैं, जो इसके प्रेसिडेंट हैं उबैदुर्रहमान कुरैशी, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन्स हमारी जब रही तो हमें भी पहले यही कन्फ्यूजन्स थी कि बेसिकली ये होता क्या है, लेकिन इसका एक बड़ा थॉरो प्रोसीजर है। पहले तो ये कि ये आपसे खुद भी कांटेक्ट कर लेते हैं, कोशिश जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होता है कि दे पिक द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज़, और उनको अप्रोच किया जाता है कि क्या वो वॉलंटरली इस एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहेंगे, और अगर कोई अपना इंटरेस्ट भी शो करना चाहता है तो उसके कुछ थॉरो किस्म के जो है इंटरव्यूज भी होते हैं, कुछ सेशंस होते हैं जिसमें मुलाकातें भी होती हैं, और उसमें उनका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि क्या वो अपने प्रोफेशन के अलावा, एक जॉब के अलावा, या जो भी वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके अलावा भी वॉलंटरली सोशल वर्क करने को तैयार हैं। और उसके पूरे इंटरव्यूज के पैनल्स होते हैं, जो मेन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वो जो है वो इलेक्टेड होते हैं, बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा बख्तावर, हमें अपने दौरे के बारे में बताइएगा, विजिट कैसा था, किन किन शख्सियात से मुलाकात हुई, कहाँ रहना हुआ, और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो आपने विज़िट की? सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इस 10 से 12 दिन के विज़िट के अंदर हम तकरीबन 5 से 6 शहर गए। हमारा जो अराइवल था वो लंदन में था, और तकरीबन 5 से 6 दिन की हमारी एक्टिविटीज़, जिसमें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के साथ जो हमारा विज़िट था वो बेसिकली लंदन में था, लेकिन जब हमने पार्लियामेंट हाउस को विज़िट किया तो वो एक बिल्कुल एक जो हमने हाउस ऑफ कॉमेंट्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो टीवी पे देखा था, मूवीज़ में देखते थे, सुनते थे, डॉक्यूमेंट्रीज में देखते थे, उसको लाइव देखा, और हम बड़े खुशनसीब भी रहे कि उसी दिन जो प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके पार्लियामेंट, उनका क्वेश्चन आंसर सेशन भी था जो हमने अटेंड किया, और जैसे ही हमने उस बिल्डिंग से वी वर डिपार्टिंग तो उसी दिन जो है यूके इलेक्शंस भी अनाउंस हुए। इसके अलावा जो लंदन के वेस्टमिनिस्टर के मेयर, लॉर्ड मेयर, मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर, इनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जब हम स्कॉटिश पार्लियामेंट का हमारा विज़िट हुआ तो वहाँ हमें हमजा यूसुफ मिले, जो कि पाकिस्तानी नज़ाद उनके मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके फर्स्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी डेलीगेशन आया हुआ है, हमने छोटे से बैजेस लगाए हुए थे अपने कोट्स के ऊपर, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, वो रुके अपनी मीटिंग से, हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला, हमारे साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ली, लेकिन ये कि इस तरह की इमेज वगैरह जो पाकिस्तानी यूथ का क्रिएट होता है बेस्ड ऑन द एक्सपोजर, तो आई थिंक कि बहुत सी यूथ अभी भी अच्छा काम कर रही है, और मे बी इट्स टाइम कि उनको सपोर्ट किया जाए। बख्तावर, ये बताइएगा पाकिस्तानी नौजवानों को यूथ पार्लियामेंट क्या ऑफर कर रही है इस वक्त? पाकिस्तानी नौजवान को तो कुछ मेरे ख्याल में ये कुछ उल्टी साइड पे होना चाहिए, इट शुड बी द अदर वे अराउंड,
कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं हमारी यूथ पार्लियामेंट को। जिस तरह से मैंने कहा कि ये एक वॉलंटियर बेस्ड इनिशिएटिव है, यहाँ पे कोई आपकी सैलरीज नहीं होती, यहाँ पे आपके सेल्फ फंडेड ट्रिप्स होते हैं। तो जहाँ लोग समझते हैं कि जी हमें विजिट्स करने का मौका मिल जाएगा, नो डाउट एक्सपोजर आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन इसमें मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है। तो जहाँ आपका मेरिट क्वालिफाई होगा, उसके बाद मेहनत आपने ये भी करनी है कि आप उस चीज़ को बड़ा सिंसेयरली लें, और जहाँ आपके पैसे भी खर्च हो रहे होंगे तो वहाँ पे आपकी सिंसेरिटी के लेवल जो है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी बताइएगा इसका मेंबर कैसे बन सकते हैं। आई थिंक जो YPP के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कॉन्टैक्ट कर लें, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और जो उनके सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कुछ क्वेरीज वगैरह आपसे कुछ सवालात वगैरह पूछेंगे, उनके जवाब आ दिए जाते हैं, और जब आपके पास फीडबैक आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होकर उसके बाद ही ईयरली टर्म्स की बेसिस के ऊपर कुछ इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, और जब ये इलेक्शन जो है हमारे स्टार्ट होंगे। अच्छा बख्तावर, हमें लास्ट में बताइएगा कि पाकिस्तान के नौजवानों की तादाद किसी भी मुल्क से ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इस ताकत को हम पॉजिटिव वे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान के यूथ के पास है, मे बी वो शायद किसी और कंट्री के पास उस तरह की नहीं है। अगर हम से वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो यूके का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं है। इवन जो टर्नआउट होता है इलेक्शंस वाले दिन, वो पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, एंड ऑब्वियसली इस दफ़ा जो यूथ है ना वो चेंज अपने हाथ में लेना चाह रही है, और जितनी परसेंटेज ऑब्वियसली डिसीजन मेकर्स की जिन्होंने इस मुल्क में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जितना डिसीजन उनका होगा मे बी वो अपने लिए बेहतर फैसले कर सकेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका बख्तावर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।